नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं उच्च के केतु के बारे में। सबसे पहले मैं आपको केतु के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूंगा। केतु यानी धर्म, आध्यात्म, मोक्ष का कारक है केतु। केतु यानी अकस्मात, दुर्घटना, विस्फोट, अचानक घटने वाली घटनाओं का कारक है केतु। केतु को छाया ग्रह माना गया है। भौतिक दृष्टि से इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। आकाश के अंदर ये कोई देख नहीं सकता। सूर्य और चंद्र जब अपनी परिक्रमा के दरमियान एक दूसरे का रास्ता काटते हैं, वहां पे जो बिंदु होता है उस बिंदु को केतु माना गया है। शास्त्र में केतु को सांप की पूंछ भी माना गया है और केतु को बिना मुंडी का शरीर माना गया है। इस शरीर के पास दिमाग नहीं होता, कोई विचार नहीं होते, छल कपट नहीं होता, लेकिन इस शरीर के पास अपना दिल होता है। इसीलिए केतु जो भी ग्रह के साथ बैठता है उसके लिए पूरा समर्पण भाव रखता है। इसीलिए मोक्ष का भी कारक माना गया है। शास्त्र में कहा गया है कुंजवत केतु, यानी कि मंगल की छाया है केतु। मंगल में जो तीव्रता, आवेग है, गुस्सा है, वो केतु में भी होता है। इसीलिए कुंजवत केतु कहा गया है। शास्त्र में यह भी कहा गया है कि केतु के काफी सारे गुण गुरु से मिलते जुलते हैं, यानी कि गुरु और केतु के बहुत सारे गुण एक समान पाए गए हैं। केतु वृश्चिक राशि में और धनु राशि में उच्च का माना जाता है, लेकिन जब केतु उच्च का होकर धनु राशि में होता है तो बहुत अच्छा फल देता है। उच्च का केतु कुंडली के अंदर कैसा फल देगा ये जानने के लिए हमें सबसे पहले पांच बातों को देखना होगा, समझना होगा, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला हमें यह जानना होगा कि केतु केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है कि त्रिक स्थान में बैठा है। इसका अपना एक खास महत्व है। दूसरा, केतु की अवस्था कौन सी है। केतु बाल्यावस्था में है, कुमार अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है कि फिर मृत अवस्था में है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे केतु कौन से ग्रह के साथ बैठा है यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि केतु का स्वभाव है कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह की शक्तियों में वृद्धि कर देता है। अगर वो अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाए तो शुभता में वृद्धि कर देगा, अगर वो अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो अशुभता में वृद्धि कर देता है। चौथे नंबर पे हमें देखना होगा कि केतु की नवमास में स्थिति क्या है। पांचवें नंबर पे देखना होगा कि केतु कौन से नक्षत्र में बैठा है। केतु विशाखा के चौथे चरण में, अनुराधा में, ज्येष्ठा में, मूल में या फिर पूर्वाषाढ़ा के पहले चरण में है। ये सारी बातों को देखने के बाद हमें निर्णय लेना चाहिए कि केतु कैसा फल देगा। और ये सारी बातों का फल कब मिलेगा, जब केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तब, या फिर केतु जिस ग्रह के साथ बैठा है उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तब इसका फल मिलेगा। अभी हम जानेंगे कि उच्च का केतु अगर केंद्र के अंदर या फिर त्रिकोण के अंदर या कोई शुभ स्थान में बैठा हो तो कैसा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक और परोपकारी होते हैं। बड़े बड़े ज्योतिषकार, बड़े बड़े कर्मकांडी, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा, योगी पुरुष, तपस्वी, योग साधना करने वाले, पराविद्या के जानकार, देवी उपासक, गुड़ विद्या के जानकार, गुफाओं में तप करने वाले, स्पिरिचुअल नॉलेज को हासिल करने वाले, तंत्र मंत्र यंत्र के जानकार और बड़े बड़े तांत्रिकों की कुंडली के अंदर उच्च का केतु या फिर बलवान केतु देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है,
जिनकी भी कुंडली में केतु उच्च का होके शुभ स्थानों में बैठा हो, जैसे कि 1, 5, 8, 9, 10, 11 ऐसे स्थानों में बैठा हो, ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है, भविष्य में घटने वाली घटनाओं का उन्हें भास हो जाता है और ज्यादातर वो भास सच निकलता है। अगर किसी व्यक्ति की अंदरूनी शक्तियां और शक्तियों का सही आकलन करना हो तो उसकी कुंडली में केतु की स्थिति क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। उच्च का केतु अगर 1, 5, 8, 9, 10 और 12वें भाव में बैठा हो और अगर उसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो या फिर गुरु उसके साथ बैठा हो तो ऐसे लोगों की छठी इंद्री जागृत होती है और वो भविष्य को आराम से स्पष्टता से देख सकते हैं। कुंडली के अंदर गुरु स्वगृही या उच्च का होकर केतु के साथ बैठा हो तो धर्म ध्वजा योग बनता है। फॉर द एग्जाम्पल यहां पे कर्क राशि है, कर्क राशि के अंदर गुरु उच्च का होता है और अगर उच्च के गुरु के साथ केतु बैठ जाए तो यहां पे धर्म ध्वजा योग बनाएगा। दूसरा एग्जाम्पल यहां पे देखिए, धनु राशि के अंदर गुरु स्वगृही होता है और यहां केतु भी उच्च का होता है तो यहां पे गुरु केतु की युति हो जाए तो धर्म ध्वजा योग बनता है। वैसा ही अगर गुरु केतु की युति पंचम भाव में दसम भाव में हो जाए तो भी धर्म ध्वजा योग बनती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में एक बार किसी मंदिर का निर्माण करते हैं या फिर किसी मंदिर के अंदर किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और ऐसे लोग बहुत ही धार्मिक और परोपकारी होते हैं। कुंडली के अंदर गुरु शुभ ग्रह बनकर केतु के साथ बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी विद्वान और धार्मिक होते हैं। गुरु केतु की युति अगर दसम भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति जीते जी तो मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाते हैं लेकिन मरने के बाद उससे कई गुना ज्यादा यश कीर्ति और ख्याति प्राप्त करते हैं। जिसकी भी कुंडली में केतु उच्च का होके मंगल के साथ बैठा हो तो उनमें और एक खास बात देखी गई है कि उनको कुत्ते के प्रति बहुत ही लगाव होता है या फिर उन्हें पालने की इच्छा होती है या फिर उसे देखकर उसे खाना खिलाने को मन करता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल अशुभ ग्रह बनकर अगर केतु के साथ बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक बार उनको कुत्ता अवश्य काटता है, ये भी देखा गया है। उच्च का केतु 1, 5, 8, 9, 10 और 12वें घर में बैठा हो तो उनमें और एक खास बात देखी गई है कि उन्हें भजन कीर्तन सत्संग करना बड़ा अच्छा लगता है और अगर जो केतु के साथ गुरु भी मिल जाता है या फिर गुरु की दृष्टि हो जाती है तो ऐसे लोगों को वेद शास्त्र पुराण ये सब का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है, धार्मिक सीरियल देखना अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धक वीडियो देखना अच्छा लगता है। जिनकी भी कुंडली में गुरु उच्च का होकर 1, 5, 8, 9, 10, 12 ऐसे सब स्थानों में बैठा हो तो उन लोगों को ईश्वर के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा होती है, धर्म के प्रति विश्वास होता है, उन्हें तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। प्रिय दर्शकों, जिसकी भी कुंडली के अंदर केतु उच्च का होता है ऐसे व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते। अगर कुंडली के अंदर केतु के साथ गुरु भी मिल जाए तो ये शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। अगर मान लो किसी की कुंडली में केतु शुभ ग्रह होकर उच्च का होकर अगर पीड़ित होता हो, जैसे कि मान लो बाल्यावस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, मूर्त अवस्था में है या फिर कोई पाप ग्रह से दृष्ट हो तो उसे शुभ करने के लिए क्या करना चाहिए? ओम रिम केतवे नमः, ओम रिम केतवे नमः का 108 जाप करना चाहिए। केतु का फल बढ़ाने के लिए गणपति बाप्पा की उपासना करनी चाहिए, गणपति की पूजा आराधना करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे मल्टी कलर का कपड़ा किसी गरीब को किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। चौथे नंबर पे अगर कुंडली के अंदर केतु की स्थिति अच्छी हो तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण की सलाह लेके केतु का रत्न लसुनिया भी पहन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको केतु के बारे में काफी सारी जानकारी दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।